स्टार से सुपरस्टार की रेस में बड़े सरपट अंदाज से दौड़ रहे प्रदीप पांडे चिंटू चर्चाओं में है अपनी फिल्म दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 को लेकर। लेकिन हमारे यहाँ वो चर्चाओं में किसी और वजह से हैं। जी हाँ, कभी आपने देखा है कि प्रदीप पांडे चिंटू बड़ा ही सेफ गेम खेलते हैं, बिल्कुल निरहुआ की तरह, न किसी से बैर न किसी से दोस्ती। जब भी कभी भी कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, बड़ी ही पतली गली से प्रदीप पांडे चिंटू निकल जाते हैं। क्या आपको याद नहीं है प्रदीप पांडे चिंटू के पापा राजकुमार पांडे और खेसारी लाल यादव की कंट्रोवर्सी? अरे भाई, इसे बीते हुए ज्यादा दिन ही नहीं हुए जहां खेसारी लाल यादव और प्रदीप पांडे चिंटू के पापा राजकुमार पांडे ने एक दूसरे पर भर भर कर आरोप लगाए थे और भर भर कर एक दूसरे को जवाब सवाल भी किया था। वो बात और है कि बाद में प्रदीप पांडे चिंटू के पापा ने कहा कि वो खेसारी लाल यादव को लेकर फिल्म भी बनाना चाहते हैं। अरे भाई, राजकुमार पांडे जी, क्या आपको पता नहीं है कि खेसारी लाल यादव जब आपकी फिल्मों में काम किया करते थे, फिल्में सुपरहिट हुआ करती थी, तब तो आपको खेसारी लाल यादव में कुछ दोस्त न दिखाई दिया। लेकिन अब जब आपकी फिल्मों में वो काम नहीं करते तो उनमें आपको पूरी त्रुटियां ही नजर आ रही हैं। खैर, वो आपका लुकआउट है और वो आपका नजरिया है, लेकिन हम यहाँ आपके बेटे प्रदीप पांडे चिंटू की बात कर रहे हैं। अब भाई, प्रदीप पांडे चिंटू इन वजहों से चर्चाओं में हैं कि आपको तो याद ही होगा कि रानी चटर्जी और उनके प्रेम प्रसंगों को लेकर उनके पापा राजकुमार पांडे काफी खफा हो गए थे प्रदीप पांडे चिंटू से। नौबत तो यहाँ तक आ गई कि बाप बेटे में ठन गई। लेकिन वो बात और है कि रानी चटर्जी और प्रदीप पांडे चिंटू का ब्रेकअप हो गया और उन दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। और अब खबर आई है कि प्रदीप पांडे चिंटू इन दिनों प्रियंका पंडित को डेट कर रहे हैं। जी हाँ, ये वही प्रियंका पंडित है जिन्होंने कुछ दिनों पहले खेसारी लाल यादव पर बड़ी ही छींटाकशी की थी और बदले में खेसारी लाल यादव के फैंस ने इन पर भी बड़ी भद्दी भद्दी गालियों के आरोप लगाए थे। अब बाद में भले ही खेसारी लाल यादव ने अपने फैंस को ये कहा है कि अगर उनके ऊपर कोई भी छींटाकशी करे तो उसको आई लव यू लिख कर भेज दिया करो, सामने वाले को खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। पर हम यहाँ प्रियंका पंडित और खेसारी लाल यादव की लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ आपके सामने प्रियंका पंडित और प्रदीप पांडे चिंटू के प्रेम प्रसंगों की बात करेंगे। जी हाँ, भोजपुरी गलियारों में इन दिनों बड़ी तेजी से ये खबर फैल चुकी है कि प्रियंका पंडित और प्रदीप पांडे चिंटू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब ये एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। लेकिन दुनिया और जमाने के नजरों से छुप छुपा कर ये अपना रिलेशन स्टेटस किसी के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहते। दोनों छुपे तौर से ही सही, लेकिन एक दूसरे को कंपनी देने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अब भाई, ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रदीप पांडे चिंटू अपने इस रिलेशन का हाल अपने पुराने रिलेशन की तरह करते हैं या वन स्टेप आगे बढ़कर प्रियंका पंडित से शादी करते हैं। वैसे भी यहाँ शादी का मामला उठाना थोड़ा पेचीदा ही लगता है, क्योंकि प्रदीप पांडे चिंटू ने तो पहले ही कह दिया है कि वो मम्मी और पापा की पसंद की लड़की से ही शादी करेंगे। शायद प्रदीप पांडे चिंटू इन ख्यालात के हों कि अफेयर चाहे जितने भी हो जाए, शादी तो वो अपने घर वालों की पसंद से ही करेंगे। खैर, चाहे जो भी हो, अब ये देखना दिलचस्प होता है कि प्रदीप पांडे चिंटू और प्रियंका पंडित अपने बीच के रिलेशनशिप को सबके सामने लाते हैं या फिर इनके रिलेशन का भी वही हाल होगा जो बाकी के भोजपुरी के सभी एक्टर और एक्ट्रेसेस के रिलेशन का होता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।